हेलो दोस्तों, इनके ऑलराउंडर टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स का दो फ़ोन के बारे में, और दोस्तों उसका फुल कंपैरिजन करेंगे, और दोस्तों आपके लिए एक बेस्ट ओपिनियन शेयर करेंगे। दोस्तों आपका यहाँ से एक अच्छे सा आपको मतलब फ़ोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ये ओपिनियन से, और ये कंपेरिजन देखने के बाद आपको पता चल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10 और इन्फिनिक्स हॉट 10S के बारे में दोस्तों इसका फुल कंपैरिजन करेंगे, और दोस्तों एक बेस्ट फ़ोन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और हम अपना ओपिनियन भी आपको लास्ट में बता देंगे। और दोस्तों अपना ओपिनियन और आपका बेस्ट फ़ोन कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 और इन्फिनिक्स हॉट 10S के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड इन्फिनिक्स हॉट 10 में एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले 10S में तो आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और चिपसेट का बात कर ले एंड परफॉर्मेंस का बात कर ले तो दोस्तों आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 में देखने को मिल जाएगा मीडिया टेक का G70, और इसमें देखने को मिल जाएगा मीडिया टेक का G80 प्रोसेसर देखने को, चिपसेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और सीपीयू का बात कर ले तो डबल ऑक्टा कोर देखने को मिल जाएगा उनका दोस्तों 2 GHz के साथ, और दोस्तों इसमें भी ऑक्टा कोर 2 GHz डबल कोर देखने को मिल जाएगा दोस्तों इन्फिनिक्स 10S में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स का बात कर ले तो मिली का G52 देखने को मिल जाएगा, और इसमें 10S में देखने को मिल जाएगा मिली G52 MC2 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, और डिस्प्ले का बात कर ले तो दोस्तों दोनों में ही आपको IPS LCD देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स 10S में, और 10 में भी दोनों में सेम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं डिस्प्ले का साइज का, तो दोस्तों आपको इन्फिनिक्स टेन में देखने को मिल जाएगा 6.7 इंच का डिस्प्ले दोस्तों, और इन्फिनिक्स हॉट 10S में देखने को मिल जाएगा 6.82 इंच का डिस्प्ले। थोड़ा सा डिफरेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा 10S में दोस्तों डिस्प्ले के मायने में। और चलते हैं दोस्तों तो बात कर लेते हैं रेजुलेशन का, तो उसमें 720 और 1640 देखने को मिल जाएगा 10S में, और दोनों में ही सेम 720 और 1640 पिक्सल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, दोनों में ही सेम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं एस्पेक्ट रेशियो का, तो आपको 20.5:9 को देखने को मिल जाएगा, और सेम इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और बात कर ले पिक्सल डेंसिटी का, तो आपको इसमें 264 PPI देखने को मिल जाएगा 10A में, और 10S में 263 PPI, बस थोड़ा सा का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको अगर पंच होल डिस्प्ले के साथ दोस्तों आप देखेंगे तो आपको 10S देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वही आपको 10S में सॉरी दोस्तों 10 में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और 10S में वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों रिफ्रेश रेट का बात कर ले तो दोस्तों आपको 10 में आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा नहीं कुछ, और वही बात कर लेते हैं 10S में तो आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए दोस्तों कैमरा का बात कर ले तो दोस्तों आपको अगर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप चाहिए तो दोस्तों आपको ट्रिपल रियर इन्फिनिक्स हॉट 10 में देखने को मिल जाएगा, जो आपको कैमरा मिलेगा 16 MP का, और प्राइमरी और 2 MP का डेप्थ सेंसर, और 2 MP का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वही बात कर ले 10S में तो आपको डबल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इसमें 48 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, और वही 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वही बात कर लेते दोस्तों कि इमेज रेजोल्यूशन का, तो इसमें आपको आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 4416x3664 पिक्सल, और वही बात कर ले तो 10S में आपको 8000x600 पिक्सल देखने को मिल जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही डिजिटल जूम देखने को मिल जाएगा, ऑटो फोकस देखने को मिल जाएगा, कैमरा बैक साइड का
और फेस डिटेक्टेड और टच टू फोकस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। डिस्प्ले पर जैसे ही आप टच करते हैं आपका कैमरा फोकस हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और फ्रंट कैमरा का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स हॉट 10 का देखने को मिल जाएगा, जो प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S का, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फोकस 2.0 देखने को मिल जाएगा। एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल से आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको फिक्स फोकस मिलेगा और इसमें 10 में आपको फिक्स फोकस नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। वही बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप का, तो आपको बैटरी बैकअप इसमें इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको 5200 mAh का देखने को मिल जाएगा, यानी 5200 का mAh, और इसमें 6000 का देखने को मिल जाएगा, 6000 का आपको 10S में देखने को मिल जाएगा और 5200 का 10 में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको बैटरी के लिए आपके लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10। और वही बात कर ले दोस्तों तो आपको इसमें दोनों में ही कुछ खास फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 में शायद 10 वाट का देखने को मिल जाए, बट उतना भी आपको फास्ट चार्जिंग कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। इंटरनल स्टोरेज का बात कर ले दोस्तों आपको 128 GB के साथ देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 10। इन्फिनिक्स हॉट 10 देखने को मिल जाएगा 6 GB 128 GB के साथ। वही आपको इन्फिनिक्स हॉट 10S आपको 4 GB 64 GB देखने को मिल जाएगा। दोनों में आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक अलग से आप मेमोरी लगा सकते हैं दोस्तों दोनों फोन में। तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं, और दोनों ही फ़ोन आपका 4G फोन सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऑडियो चेक का बात कर ले तो 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा दोनों में ही दोस्तों। और बैक साइड में आपका फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और प्राइस का बात कर ले तो दोस्तों आपका ये मिल जाएगा आपको 10,999 का है, और ये मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 10 आपको 9,450 दोस्तों। इसका दो वेरियंट है इन्फिनिक्स हॉट 10S का, तो इसमें दो प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि एक 11,000 के करीब है और एक 10,000 के करीब है, ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा दोनों। चलिए दोस्तों आप कुछ डिफरेंस का बात कर ले दोस्तों, अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 10 लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसका इसमें आपको एक ही फ़ायदा देखने को दोस्तों मिल जाएगा कि आपको इसमें ट्रिपल रियर कैमरा के साथ देखने, अगर ट्रिपल रियर कैमरा यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए इन्फिनिक्स हॉट 10 देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले दोस्तों अगर आप एक अच्छे खासा बैटरी बैकअप चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको 52 इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको 5200 का बैटरी देखने को मिल जाएगा, और इन्फिनिक्स हॉट 10S में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा। वही बात कर ले दोस्तों कैमरा का, तो इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और वही इन्फिनिक्स हॉट 10S में आपको डबल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और प्रोसेसर का बात कर ले तो दोस्तों आपको इसमें चिपसेट का बात कर ले तो आपको मीडियाटेक का G70 देखने को मिल जाएगा 10 में, और 10S में आपको मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बस कुछ खास तो नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एक गेमिंग प्रोसेसर दोनों ही है, बट 85 थोड़ा सा बेस्ट निकल जाता है दोस्तों इसमें देखे तो, और कुछ खास नहीं। और पिक्सल डेंसिटी का बात कर ले तो दोस्तों आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 में आपको 264 PPI देखने को मिल जाएगा, वही बात कर ले तो 10S में आपको 263 PPI देखने को मिल जाएगा। बस इन्फिनिक्स 10 आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा और इसमें थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों एक पंच होल डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए 10S बेस्ट हो सकता है, नहीं तो आपको एक गेमिंग प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा 10S में, और दोनों तो गेमिंग बट थोड़ा ये बेस्ट देखने को मिल जाएगा। आप 10S में भी जा सकते हैं, और इसमें आपको वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और 10 में आपको रिफ्रेश रेट कुछ खास देखने को मिलेगा, इसमें आपको 10S में रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर
ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और चैनल को पर आया पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कैसा लगा ये ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका बेस्ट कौन सा फ़ोन है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।